भाई ये गली रात को इतनी सुनसान हो जाती है ना, ये कपल्स के लिए मेकआउट पॉइंट है। एक बार मैं भी यहाँ गाड़ी पे गाड़ी पार्क करके बैठा हुआ था एक लड़के के साथ, दोस्त था मेरा, हम ऐसे कुछ बात कर रहे थे, एकदम से गार्ड आया, ठीक है, कह रहा हूँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा साले लड़का है देख तो ले ध्यान से, कह रहा अच्छा अच्छा फिर ठीक है। गाइस सीन हो गया गलत, बंदा गिरा दिया, ये देखो योगी ने गाड़ी ठोकी अभी, वो बंदा नीचे गिर गया, वो फोन निकाला उसने, वो किसी को बुला रहा है, वो देखो बंदे बुला रहा है, सीन होगा उसकी फटरी आगे वाले की, वो देख रहा है अभी भी वो। तो भाई वर्कआउट हो गया, बढ़िया वर्कआउट हुआ, मज़ा आया, इसने अलग किया मैंने अलग किया, और अब आप लोग ऑब्वियसली बोलोगे मोहित भाई वर्कआउट करे, लेकिन आपने बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि वर्कआउट मैंने रिकॉर्ड किया, एंड वॉइस ओवर कमिंग इन 3, 2, 1। तो भाई वेलकम टू द वॉइस ओवर, और ये मेरी ट्रेनिंग साइकिल का सेकेंड लास्ट वीक चल रहा है, एंड ट्रेनिंग इंटेंस होती जा रही है, तो आज मेरा पुल डे था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेनिंग साइकिल में हमारा आर्म्स पे और हमारा काव्स पे ज़्यादा फोकस है। अभी मैं टिबियालिस समथिंग कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं नाम भूल गया, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, और ये फ्रंट पार्ट जो शिन वाला एरिया उसके लिए काफ़ी सही है, और मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो ये पार्ट मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के पैर वैर लग जाते हैं तो इंजरी भी हो सकती है, तो दिस हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। और मैं आपको बता दूं कि भाई आप बैक के कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो और आप अगर लिफ्टिंग स्ट्रैप्स यूज़ नहीं कर रहे हो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो भाई आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, एंड सॉरी आई माइट साउंड रूड बट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स इतनी बेनिफिशियल चीज़, और सॉरी दीदी आ गई थी बीच में, सॉरी दीदी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना बीच में बताया करो, हाँ लिफ्टिंग स्ट्रैप्स इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज दे टेक द लोड ऑफ फ्रॉम योर आर्म्स एंड यू कैन फोकस ऑन योर बैक। एंड हाँ थोड़ा सा वेर्ड है, मैं पुल डे में ट्राइसेप्स कर रहा हूँ आई नो, बट मैंने जैसे बताया इस साइकिल में आर्म्स पे ज़्यादा फोकस है, तो ट्राइसेप और बाइसेप आई डू लाइक क्वाइट फ्रीक्वेंटली, और पुल डे में और पुश डे में आर्म्स मेरे पूरे होते हैं। एंड एब्स लोग कहते हैं कि किचन में बनती है, लेकिन बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है, एब्स साला जिम में ही बनती है, तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, यू हैव टू बिल्ड दैट मसल, एंड मेरी एब्स दे आर काइंड ऑफ वीक, तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड देम। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप मोहित बिष्ट से बात कर रहे हो, बट यू आर रॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट मोहित बिष्ट, दिस इज प्रोफेसर मोहित बिष्ट। और गाइस मसल प्लीज की टीम ने मुझे ये कोड सेंड किया है, ऑब्वियसली दे गॉट माई साइज ऑल रॉन्ग, क्योंकि उनको लगा हुआ कि मेरा बाइसेप छोटा है, लेकिन यू कैन सी बाइसेप से पूरा टाइट हो रहा है। और गाइज ये है मसल ब्लेस का प्रो चेक, दैट इज होम प्रोटीन टेस्टिंग किट। तो गाइज हर एक प्रो चेक किट के अंदर आपको दो ऐसे टेस्ट ट्यूब टाइप्स मिलेंगे और आपको दो ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो भाई ये जो प्रोचेक किट है ये दुनिया की पहली ऐसी इन्वेंशन करी है मसल ब्लेज ने जिससे आप अपने वे प्रोटीन को टेस्ट कर सकते हो, और इससे आपको दो बातें पता लग सकती हैं कि जो आप वे प्रोटीन ले रहे हो वो एक्चुअल में वे प्रोटीन है या फिर आप सिर्फ कुछ चॉकलेट पाउडर या माल्टोडेक्सट्रिन कंज्यूम कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि अगर वो वे प्रोटीन है भी तो उसमें कितना परसेंटेज वे प्रोटीन है। भाई देखो तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं, तीनों पे मैंने ए बी सी लिख दिया, जैसे इसमें ए लिखा हुआ है, ठीक है, और तीनों में मैं ये पूरा जो सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन है, तीनों में एक एक ईच डाल दूंगा। और गाइस इसमें हम तीन वे प्रोटीन के सैंपल्स को टेस्ट करेंगे, और गाइस उसके बाद अब तीन सेपरेट शेकर लोगे और सब में एग्जैक्टली 200 ml ऑफ वाटर मिलाओगे और सब में एक एक स्कूप रिस्पेक्टिवली प्रोटीन डाल दोगे, और इसके बाद हम तीनों शेकर से एक एक करके वे प्रोटीन को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और टेस्ट ट्यूब को पूरा टॉप तक 45 की मार्किंग हो रखी है वहां तक भरेंगे। और गाइस टेस्ट ट्यूब नंबर ए है ये, इसमें मैंने डाला है मसल ब्लेस का बायजाइम वे। ये टेस्ट ट्यूब नंबर बी है, इसमें मैंने डाला है इंटरनेशनल ब्रांड का फेक वे प्रोटीन जो आपको लोकली मार्केट्स में मिल जाएगा दुकानों पे, वो बोलेंगे असली है लेकिन भाई स्कीम सबको पता क्या चलती है। और ये टेस्ट ट्यूब सी है जिसमें मैंने एक इंडियन ब्रांड का वे प्रोटीन डाला है जो कि बहुत सस्ते दाम पे आपको मिल जाता है। तो ठीक है तीनों यहाँ पर है, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन देखो क्या कहती है, जहाँ पे प्रोटीन खत्म हो रहा है उसके नीचे थोड़ा सा ना गतिविधि सी चल रही है, ठीक है, उसको कर्डलिंग कहते हैं, ठीक है, तो ये हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर भाई वे प्रोटीन है। तो ठीक है ए वाला टेस्ट ट्यूब पास होगी, बी वाले टेस्ट ट्यूब में पूरा प्रोटीन भाई इवनली मिक्स हो गया सॉल्यूशन में, तो इससे पता लगता है कि ये वे प्रोटीन था ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया, इससे पता लगता है फेक है, ठीक है, इसको हम निष्कासित कर देंगे। टेस्ट ट्यूब सी में भी सेम ए वाला हिसाब हो रहा है, ठीक है, जहाँ ऊपर प्रोटीन का गुच्छा है उसके नीचे हल्का सा कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ गतिविधि हो रही है, कर्डलिंग कहते हैं इसको, तो मतलब इसमें भी वे प्रोटीन है, तो बी को हम करते हैं रिजेक्ट, फक ऑफ, और ए और सी के बीच में अभी भी कॉम्पिटिशन जारी है। भाई देखो टेस्ट ट्यूब ए और सी में वे प्रोटीन तो है ये हमें पता लग गया, लेकिन कितनी मात्रा में वे प्रोटीन है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड्स अपने लेबल पे लिखते हैं कि भाई इतना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है, एक स्कूप में इतना ग्राम प्रोटीन है, तो उसमें भी कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, कुछ गतिविधि ब्रांड्स कर सकते हैं, तो अभी इसको हमें 24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा।
भाई मेरी बाइक की सर्विसिंग कराने से पहले भी ये ऑरेंज कलर की लाइट जल रही थी, फिर मैंने सर्विसिंग कराई, कुछ दिनों के लिए लाइट बंद हो गई बट फिर ये वापस जलने लग गई। अब मुझे नहीं पता ये क्या सीन है, मतलब यहीं देख लो बीच सड़क में ही इनको अपनी पंचायत बिठानी है। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? अच्छा पनवाड़ी है तो यहाँ पे लोग मस्त अपना मूते वगैरह तो बढ़िया रहता है उनका। गाइस मेरे को घर जाना है भाई, ये तो मजे से सो रहा है और बारिश हो रही है नेक्स्ट लेवल, मुझे पूरा पार्क क्रॉस करके जाना है भाई। वैसे रोज़ मैं इस रास्ते से जाता हूँ, ये बंदा रोज़ यहीं इसी पोजीशन में पड़ा होता रोज़, आलसी साले। अबे ये कहाँ से आया, एकदम से पीछे देखा ये भी खड़ा हुआ था। व्हाट्स अप ब्रो, मैं जानता हूँ तू भी बाहर नहीं आ सकता, बारिश हो रही है, हम दोनों साथ में चिल करते हैं भाई। थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो मैंने सोचा निकाल ही लेता हूँ। और भाई आईफोन वाटरप्रूफ होते हैं क्या? होते तो बढ़िया, अगर नहीं होते तो मेरा फ़ोन गया। और भाई हेयर कट बहुत सेक्सी लग रहा है यार, क्या बोलते हो कमेंट करके बताओ। और भाई जब भी मैं हेयर कट कराता हूँ ना तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, पता नहीं क्यों। तो भाइयों 24 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है, आप देखोगे जो प्रोटीन नीचे जमा हुआ है दैट इज़ 15 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 17 के करीब, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में आप देखोगे तो 5 से भी कम क्वांटिटी में प्रोटीन एकत्रित हुआ है इन टेस्ट ट्यूब्स में। एंड एज पर द टेबल टेस्ट ट्यूब ए जिसमें मैंने मसल ब्लेस का वे प्रोटीन डाला था, इसमें 85% से भी ज़्यादा वे प्रोटीन एडेड है, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी गुड एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब नंबर बी में जिसमें मैंने एक इंडियन ब्रांड का वे प्रोटीन डाला था, इसमें 5 से भी कम रीडिंग आ रही है, विच मीन्स इसमें 35% से भी कम वे प्रोटीन है। एंड आई हैव टू टेल यू कि ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो बहुत चीप रेट्स में अपना वे प्रोटीन बेचते हैं और अपने लेबल पे लिख देते हैं कि 75 या 80 या 85% प्रोटीन है, बट दैट्स अ लाई क्योंकि हमने टेस्ट से पता कर लिया। तो गाइज ऐसे ही बहुत ईजिली आप अपना प्रोटीन जो भी आप यूज़ करते हो उसको चेक कर सकते हो मसल ब्लेज की प्रोचेक किट से। बहुत ही तगड़ी इनोवेशन की है मसल ब्लेज ने और इसको ऑर्डर करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फटाफट जाके खरीदो। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड मोहित30। भाई एक बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला, मतलब द बेस्ट बर्गर खाने की इतनी ज़्यादा तलब हो रही है। एंड प्लीज़ हेल्प मी इन द कॉमेंट्स, हेल्प मी बेस्ट बर्गर दिल्ली में जो आपने खाया हो, एंड इट हैज़ टू बी द बेस्ट, ठीक है, मजाक से हटके मैं खाऊंगा एंड आई शो दैट इन द वीडियो कि भाई ये मेरे को रिकमेंड किया था मेरी ऑडियंस ने और ये मैं खा रहा हूँ और मैं टेस्ट रिव्यू करूँगा पक्का, मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड किसी को साथ चलना तो भी बता देना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। So every day I have to go to the factory in the morning and दिन में फिर rest करके शाम को gym जाना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर ऐसे outing करना ही भूल गया हूँ। Plus you all know trip पे गए हुए भी कितना time हो गया है and it's so difficult to plan it क्योंकि obviously मैं solo trips में believe नहीं करता, मुझे लगता है solo trip बहुत कतई boring होती है, तो I don't want to go solo। तो try कर रहा हूँ कि कोई चले साथ में, सौरभ को try कर रहा हूँ। सौरभ वैसे next year फेब में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ है इवेंट है, शादी है किसी की, ठीक है, और किसकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट उससे पहले मैं ट्राई करूँ दिसंबर में आ जाए। अगर वो आ गया तो 110% वियतनाम इज हैपनिंग, 110%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अदर देन दैट भी हम ट्राइंग किया, अभी हम ना शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री को, हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ। जैसी फैक्ट्री शिफ्ट हो जाती है मेरे को यार बाहर निकलने, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यार मेरा माइंड फक हो रखा है ना कि भाई इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इतना बिजी हो गया हूँ ना कि हैंकर अपने लिए टाइम ही नहीं अपनी मस्ती के लिए, समझ रहे हो। बस जिम कर रहा हूँ मैं अपने लिए, बस बाकी सर काम में लगा पड़ा हूँ, वो भी ज़रूरी, ऐसी बात नहीं है, बट भाई खुशी भी तो ज़रूरी है। और गाइस मेरा जो लैपटॉप है जो कि मैंने 4 साल पहले खरीदा था जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग करता आया हूँ अब तक, वो ओवर टाइम थोड़ा स्लो होने लग गया था क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो भाई थोड़ा स्लो हो जाता है पुराना हिसाब, तो इसलिए मैंने पीसी खरीदा था, ठीक है, कोविड के टाइम मैंने पीसी खरीदा था। अब मुझे इसकी इतनी आदत लग गई क्योंकि ये इतना फास्ट है, एडवांस है, अब देखो वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो और बड़ी स्क्रीन की आदत लग गई, तो मेरा ना लैपटॉप देखने का मन भी नहीं करता, प्लस मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक नया लैपटॉप खरीदूंगा क्योंकि मैं अपना आधा दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करता हूँ और वहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ बाय एडिटिंग माय वीडियोस और काफ़ी मेरा दिन फिर प्रोडक्टिव होने लग जाएगा। अभी क्या है कि मैं एडिट नहीं कर पाता, आधा दिन वहाँ बैठा रहता हूँ, काम थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं एडिट कर लूँ। सो स्मार्ट मूव, समटाइम्स स्पेंडिंग मनी कैन हेल्प यू इन मेकिंग मोर मनी। सो कोई मैंने नहीं बनाई ये कोट, लेकिन अभी एकदम से मन में आई तो मैंने बताई आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कह सकते हो मैंने नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद सोची, मैंने कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करी ना, कहीं से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने रोहित ने डिसाइड किया कि हम जो लैपटॉप लेंगे वो थोड़ा सा हाई एंड और एडवांस लेंगे क्योंकि हमें भाई फास्ट वर्क फ्लो की आदत हो गई है, तो
लैपटॉप भी एडवांस होगा तो मज़ा आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरे घर में थोड़े टाइम में शिफ्ट करूँगा, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पीसी मैं दूसरे घर में ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक सेपरेट डिफरेंट फ्लोर पे रूम मिलेगा मेरा और एक वो ऑफिस सेटअप टाइप्स होगा, तो वहाँ पे मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ। स्ट्रीम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे मेरा सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे ये रूम ख़त्म होता है और यहाँ पे पर्दे हैं और यहाँ सोफ़ा है, यहाँ पे मेरे पापा बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, तो भाई मैं गाली गलोच नहीं कर पाता स्ट्रीमिंग में, आपको पता है थोड़ा सा यार बंदा मूड में आता है, उल्टी सीधी बातें बोल देता है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाता, तो मैं खुल के स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा, तो ये यहाँ पे लिमिटेशन है। तो मैं सोचा कि ये पीसी मैं दूसरे घर पर ले जाऊँगा और यहाँ पर मैं लैपटॉप रख दूँगा, यहाँ पर डेडिकेटेड टेबल है ही मेरी, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है, अभी सर्च कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अच्छा तगड़ा लैपटॉप, हाई एंड लैपटॉप, ठीक है। तो वैसे मैं सोच रहा था मैकबुक ले लूँ, कूल होती है, इंस्टा पे स्टोरी डाल पाऊँगा एप्पल के लोगों वाली और सबको लगे मैं अमीर हूँ, कोठी बंगले वाला लड़का हूँ, बट कोई नहीं, ठीक है, हर चीज़ सबको इम्प्रेस करने के लिए नहीं करी जाती, कुछ चीज़ें अपने लिए करी जाती है, कुछ चीज़ें इंप्रेस करने के लिए भी करी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी सर्च करता हूँ, कल मोस्ट लाइकली हम ऑर्डर कर देंगे या फिर स्टोर से जाके लेंगे, जहाँ भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और बाकी बढ़िया, मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, नहीं आया तो जस्ट नो दैट कि मैंने पूरी कोशिश करी, नहीं आया तो अगली वीडियो में ज़रूर आएगा, ठीक है। एक वीडियो से ज़्यादा मैं आपको कम मज़ा नहीं दे सकता, ठीक है, एक में कम आया तो अगली में ज़्यादा आएगा ही आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बाकी बढ़िया चल रही जिंदगी, एल सी नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, दिस इज योर बॉय।